लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरो में से एक यानी सनी देओल, जो कि 90s में काफ़ी दमदार फिल्में दिया करते थे और उनके फिल्मों के डायलॉग्स बहुत ही शानदार हुआ करते थे और एक्शन भी गजब का हुआ करता था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि आज काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई है सनी देओल की। एक हिसाब से कहा जाए तो दो फिल्मों की हाल फिलहाल में अनाउंसमेंट की गई है। सबसे पहले चुप उनकी जो फिल्म आ रही है वो होने वाली है। इसके बाद दोस्तों आज उनकी एक बेहतरीन फिल्म का सीक्वल अनाउंस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा जो कि आई थी दोस्तों साल 2000 में। अब दोस्तों आपको बता दें कि लगभग 20 साल बाद इसका सीक्वल आने जा रहा है जिसका नाम होगा गदर 2। इस फिल्म का टाइटल होने वाला है और सनी देओल इस फिल्म में तारा सिंह के किरदार में नजर आएंगे। अमीषा पटेल भी होने वाली हैं जो कि सकीना के किरदार में नजर आएंगी और उत्कर्ष शर्मा जो हैं दोस्तों वो जीते के किरदार में नजर आने वाले हैं। आपको दोस्तों बता दें कि इस मूवी की जो स्टोरी थी, जो इस मूवी के सॉन्ग्स थे वो बहुत ही कमाल के थे और सनी देओल का एक्शन लाजवाब था। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अब इसका सेकेंड पार्ट आने जा रहा है यानी दोस्तों गदर 2। और दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं अनिल शर्मा। आज एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दोस्तों ये बताया गया है कि गदर 2 फिल्म जो है वो साल 2022 तक आएगी। जी हाँ दोस्तों, और बहुत ही जल्द इस मूवी की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। आपको दोस्तों बता दें कि सनी देओल की यह जो फिल्म थी गदर, वो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित रही थी साल 2000 में और ऑडियंस आज भी इसे टीवी पर काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। ऐसे में दोस्तों आज ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है सनी देओल ने कि उनकी गदर फिल्म का सेकेंड पार्ट आ रहा है यानी गदर एक प्रेम कथा 2। आपको दोस्तों बता दें कि इस फिल्म को बना रहा है जी स्टूडियोज और जब इसका फर्स्ट पार्ट आया था तो काफ़ी शानदार था और आज भी उसके सॉन्ग्स, उसके डायलॉग्स ऑडियंस को याद हैं और उनका जिस तरह से सनी देओल का कैरेक्टर था ना, वो बहुत ही शानदार था। ऐसे में दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि इस फिल्म में अमरीश पुरी की जो भूमिका थी वो कौन निभाएगा, क्योंकि दोस्तों अब वो नहीं रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एक परफेक्ट एक्टर चाहिए जो कि इस फिल्म में यानी गदर 2 फिल्म में उनका कैरेक्टर निभा सके। और स्टोरी जो है दोस्तों वो एक हिसाब से कहा जाए तो जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस मूवी का बजट भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है और ऐसा बताया जा रहा है कि सनी देओल की यह जो फिल्म है वो उन्हें बॉलीवुड में कमबैक करा सकती है। इसके अलावा उनकी हाल फिलहाल में चुप फिल्म की अनाउंसमेंट की गई है जो कि दोस्तों एक बहुत ही शानदार फिल्म रहेगी, एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म बताई जा रही है वो भी। और ऐसे में दोस्तों जब गदर 2 भी अनाउंस कर दी गई तो एक हिसाब से कहा जाए तो अब देओल जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिर से एक बार कमबैक कर रहे हैं। काफ़ी शानदार फिल्म है ये। अगर गदर 2 फिल्म आ रही है तो मुझे लगता है कि ये फिल्म काफ़ी बड़ा धमाल करने वाली है साल 2022 में। तो दोस्तों आप सनी पाजी की गदर फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं यानी इसके सेकंड पार्ट को, गदर 2 को, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ अमरीश पुरी की भूमिका के लिए बॉलीवुड का कौन सा एक्टर सही रहेगा गदर 2 फिल्म में, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहे।